الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك في شان حبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बुलंद आवाज़ दे नाल मोहब्बत दे नाल शौक दे नाल दुरूद व सलाम पढ़ने कोई जबान खामोश ना रवे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ले अलैहि अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار شوال المکرم دا پہلا جمعہ تو سامعین ذی وقار रमजान मुबारक गुजर गया अपनियां रौनकां अपनियां बहारां नाल लेके चला गया लेकिन सद अफसोस अफसोस होंदा है कि पता नहीं साल दे 11 महीना तो बाद रमजान अल मुबारक के अंदर सिर्फ मुसलमान को पता है कि इस महीने च इबादत करनी है बाकी महीना नु रब माफ कर देता है तो अक्सर मैं गल करदा कि इस गलत फहमी चो बंदा ना रवे कि जिस दी डेथ 27 को होवे होवे गुनागार शराबी जानी ते ओ इस गलत फहमी च ना रवे कि मेरी अगे मेरा हिसाब ना हो से ये गलत फहमियां ने हिसाब बेशक ना हो सी लेकिन अंदर भी कुछ होवे तो ना हो सी ना हिसाब अंदर कुछ ना होवे तो फिर क्यों हिसाब होवे हुण मुल्क पाकिस्तान नू बणिया 70 साल हो गए और जिस बुनियाद ते जिस बुनियाद यानी बनिया है ना कलमा तैयबा जिस दी बुनियाद पाकिस्तान बनिया और ज़ैना दे अंदर एक ख्वाब आई कि ए मुल्क इसनु इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिता गया और एक ज़हनों के अंदर भी ख्वाब आई लोगों दे कि इस पाक सरजमीन को इस्लामी तालीम का गहवारा बनाया जाएगा और इस धरती का जर्रा जर्रा इस्लामी तहजीब व तमद्दन का आकाश होवेगा मस्जिदां इबाद हो सन औरतां बापर्दा हो सन मर्द बेहया ना हो सन बाहया हो सन एक ख्वाब है
और नौजवानों के सीने विच कुराने पाक होगा। यानी जब पाकिस्तान बनिया सी ना कलमा तैयबा ते एक नजरिया आई कि पाकिस्तान नूं इस तरह बनाया जाएगा और उन्हां नौजवानों के सीनियां के अंदर कुराने पाक होगा और नौजवानों के चेहरे मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दे दौर दे नौजवानों दे नाल मुशाबे रख दे होवनगे। यानी इस तरह पाकिस्तान हासिल करन वास्ते और इसकी बुनियाद नू इस तरह रखिया गया कि शराब नोशी ना हो सी, शराब बेची नहीं जाएगी, बंग ना हो सी, चरस ना हो सी, जुआ ना हो सी, सूदखोरी ना हो सी। मकसद तो यह सी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही मकसद है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होवे। पाकिस्तान बनाने का मकसद है और कोई बुराई का इरतकाब नहीं करेगा, बुराई तो नफरत करेंगे, नेकी नाल मोहब्बत करेंगे। लेकिन अफसोस कि अज असी अपने हालात वेखिए, अपने हालात वेखते हैं तो इन्हें चो कोई चीज का भी नामो निशान सारे अंदर नहीं पाया जाता, कोई चीज का नामो निशान सारे अंदर कोई नहीं पाया गया। इत्थे ओ कुछ हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है मुल्क पाकिस्तान के अंदर, वो सब कुछ हो रहा है जड़ा एक कारे काफिर मुलक अपने वास्ते तुर्रा ही इम्तियाज समझदा है। काफिर गैर मुस्लिम मुलक होवे ना, जड़ा पाकिस्तान च हो रहा है ना, वो इसनु तुर्रा ही इम्तियाज समझदे ने, इज्जत समझदे ने। और जड़ा साडे मुलक के साडे हालात ने अज साडे जमीर भी सो चुके ने, साडे जमीर भी मर चुके ने, और जमीर इतने मर चुके ने, इतने मर चुके ने कि हुण असी अपने आप नूं गुनाहों दी दलदल च सड़ दित्ता है, गुनाहों दी दलदल च सड़ दित्ता है। इस दे बावजूद फिर भी असाडियां ज़बानां अल्लाह और उसके रसूल दे बंदियां दे खिलाफ बोलणो नहीं रहियां। और वजह क्या है, साडे अंदर काले हो चुके ने, अंदर दी दिल बिल्कुल स्याह हो चुका है और दिल दी क्या वतने पाकिस्तान इस वास्ते ले आ चुका है, इस वास्ते ऐसे लिया है कि इन कलमा तैयबा पढ़न दे बावजूद कि असी इस दे अंदर रिश्वतखोरी करांगे, रिश्वत देवांगे, बदनवानियां करांगे। अफसोस दे नाल आख्या जांदा है कि पाक सरजमीन यही निहत्ते मुसलमानों दे नाल लहूलुहान हो चुकी है, फिसाद आए रोज कोई ना कोई कतल हो रहा है। और फिर पुराने जमाने बाबा जी गल सुनांदे ना, असीं जदों तालबिलमी च पढ़दे सी ना, तालबिलमी दा दौर सी उस वक्त, रेडियो नवा नवा निकला सी, रेडियो और एक मंजियां चरावण वाला बैंसां लेके बैंसां चरावण वाला जा रहा सी। मेरे नाल एक दोस्त बैठे सन, असीं स्टेशन ते ना असर दी नमाज तो बाद इन्हें तफरी वास्ते गए, सैर वास्ते स्टेशन ते बैठे से, मेरे नाल एक दोस्त भी बैठा सी जिहड़ा मेरे नाल पढ़दा सी। वो जदू आया ना बैंसा चरावण वाला तो उसके हाथ में रेडियो से, वो आके साड़ी को मसला पूछने लगा कि ये रेडियो सुनना जायज है या ना जायज है, ये रेडियो सुनना जायज है या ना जायज है। वो मेरा दोस्त नाल बैठा से आप फरमाते ने, उन्हें आख्या पीर साहब अगर तुसा ज्यादा देवो तो इस जवाब मैं दे देना। मैं उन्होंने आख्या जी तुम जवाब दो, तो बड़े मजाया भी आ,
तू ना क्या जी तुम्हारे घर मंज रखी हुई है ना, तुसी ये मंज पाली हुई है, तुसी घर के अंदर खड़ी की हुई है, ये मंज मूत्र भी दे रही है ते दूध भी दे रही है, मंज मूत्र भी दे रही है दूध भी दे रही है, हुण मर्जी तुम्हारी इसका मूत्र पीवो मर्जी तुम्हारी इसका दूध पीवो, समझण दी गल। उन्हें आखे रेडियो दे विच अच्छे प्रोग्राम भी आंदे ने, जे ओ सुनो तां दुध वर्गे, जे गलत प्रोग्राम ओ सुनो तां मूत्र वर्गे, मर्जी तुहाडी अख्तियार तुहानूं रब दित्ता है जो चीज सुनना चाहुंदे। इह पुराने जमाने दी गल है, हुण तां रेडियो गए, हुण तां असीं मोबाइल रखे होए ने, ओ टच मोबाइल असी आप बजाते खुद भी चलाने हैं, फिर घर वाले नु लेके देने, हां जी तुसी भी इंजॉय करो, याद रखो ये मोबाइल ऐसी लानत है, घर के अंदर अगर तुसी ये मोबाइल देंदे हो ना, ये ऐसी लानत है कि फिर तुहानू चार दीवारी दी जरूरत ही कोई नहीं, घर के अंदर मोबाइल लिता जाए चार दीवारी दी लोड़ ही नहीं, ऐसी लानत है ये मोबाइल। हाँ खुद इस्तेमाल करो अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करो, मिसाल हो ही ले लो, अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अच्छे इस्तेमाल वास्ते मंज बन जाएगा, जब बुरा इस्तेमाल करोगे तो उसका मूत्र बन जाएगा। और घर के अंदर असी मोबाइल लेके दे देने हैं ना, असी आते हैं जी तुहाडा साडा कंटैक्ट रासी, तुसी साडे नाल कंटैक्ट रखिया है, असी जिथे जा भी है असी तुहाडे नाल कंटैक्ट रखसा है, कंटैक्ट क्या होंदा है, राबता क्या होंदा है, घर बाप भी ये भाई भी ने मौजूद ने, उन्हां दे नंबर ते कॉल करो, गल करनी है जी गल करा दे, उस नूं लै के देना ही तो फिर वो चार दीवारी भी डा दे, जरूरत ही कोई नहीं, इस गल ते गौर करिया। बहर कैफ पाकिस्तान इन चीजों वास्ते नहीं बने, पाकिस्तान किसी और चीज वास्ते बने। आज बेटा बाप कहता है मेरी औलाद ना फरमान है, बेटा कहता है कि बाप जेड़ा है ना मेरे नाल सलूक अच्छा नहीं रखता, इसकी कोई वजह तो है, बाप कहता है बेटा ना फरमान है और बेटा कहता है बाप अच्छा सलूक नहीं रखता, और फिर दोस्तों के नाल नचा किया बई बई का गला काट रहा है, मनशियात फरोशी दे अड्डे कितने खुल चुके ने, कितने घर उजड़ चुके ने, कितने घर उजाड़े जा रहे। एक नौजवान घर हीरोइन या पाउडर दे खड़ा हो जाए ना सारे घर का सत्यानाश कर देंगे, उन्हें लोगों को पूछो जिन्हें घर इो जे बंदे मौजूद ने। एक नौजवान अगर नशे विच लग जाए पाउडर या हीरोइन शुरू कर दे वे तो घर दे बेड़ा गर्क कर देंदा, और उस दे भी असी आखिए ना माशरे दा कसूर है, ये गलत फहमी है, माशरे दा कसूर नहीं बल्कि उस वालदैन का कसूर है जिसने बचपन च उसनू आयाशी दिती है, उसनू दीन आले पास लैके नहीं आया, इस्लाम आले पास लैके नहीं आया, उस वालदैन का कसूर है जिसनू आखरी उम्र विच ये भुगतना पौंदा। कम वो करो जिस दे विच अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह दी रजा होवे। तो मैं जिन्ना चीजों का ताल्लुक अल्लाह ताला दे नाल है ना वह हकूकुल्लाह कहलांदे ने, और जिन्ना का ताल्लुक बंदा दे नाल है वह हकूकुल इबाद कहलांदे ने, और हकूकुल्लाह दे विच कलमा तैयबा नमाज रोजा हज जकात और दीगर नेक अमाल नेक साले अमाल ए हकूकुल्लाह दे विच आ जांदे ने।
نماز کلمہ طیبہ طیبہ تو بعد نماز کلمہ طیبہ تو بعد تمام عبادتاں تو افضل عبادت تمام عبادتاں افضل عبادت اور پھر ایسی عبادت جس نو انسان خشوع و خضوع دے نال پڑھے نا نیت صاف ہوئے خشوع و خضوع دے نال پڑھے جتنیاں برائیاں اندر ہو سن اے نماز دے نوں برائیاں تو روک لوے گی ایسی عبادت میں جڑی آیت کریمہ پڑھی نا رب نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور رکوع کرن والا دے نال رکوع کرو ہن اللہ تعالی نے اگے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برائی بے حیائی تو روکیندی اللہ تعالی کہے فرمایا نماز بے حیائی اور برائی تو اچھی بولو جنہ روزے تو بات چھوڑ دیتی ہو نہ بولن جنہ پڑھ دے پہنو بولو نماز بے حیائی اور برائی تو روک چھڑے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ایک چیز ذہن چاندی کئی بندے ایسے بھی دیکھتے ہیں میں سمیت نماز بھی پڑھ دینے لیکن برائی انیار کر دینے نماز بھی پڑھ دینے برائی انیار ہی کر دیں ادھو سجدہ دیتا ادھو جا کے برائی کر دیں ادھو سجدہ دیتا ادھو تولنا کام ادھو سجدہ مارے ادھو جھوٹ بولنا شروع کر دیں یعنی میں سمیت نماز پڑھ دیں ہاں سارے لیکن برائی پھر بھی اتھے ہی کھلوتی ہے وجہ کے کوئی وجہ تا ہے دو گلنا چو ایک گل یا رب دا کلام جھوٹا نعوذ باللہ یا رب دا کلام جھوٹا یا پھر ساڑھے اندر کوئی فالٹ ہے رب دا کلام تو جھوٹا ہوئی نہیں سکتا زمین آسمان اتنے تھلے ہو جاوا اللہ دا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا رب فرمانا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی تو رکیں دی لیکن اے بندہ نہیں رک ریا سجدے بھی دے رہی ہے اے دو نماز پڑھی پیر روڈ تے کھڑا ہو کے ڈکیٹی مار لے اے دو نماز پڑھی رات اندھیرے سے گیا کسے دے گھر وچ کوئی چیز چوری کر کے چلو جی کام ہو گیا ان کو پوچھو نا کہ تو کہہ کر دا کہ اتنا نمازی ہو کے پتہ کیا دا اے اپنا کام ہی وہ اپنا کام اے خدا دا کام یہ کر لیا وہ ساڑا اپنا ذاتی کام ہے لیکن یہ تو ویک تو خدا دا کام کر کے پھر برائی بل جا رہا ہے ان اس دی وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ وجہ ہے کہ میرے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک حرام دا لکمہ کھا لوے نا ایک لکمہ حرام دا کتنا ایک لکمہ حرام دا کھا لوے نا 40 دنہ دی عبادت نہ قبول ہوں دیئے نہ دعا قبول ہوں دیئے نہ عبادت دا مزا ہوں دا 40 دنہ دی عبادت نہ قبول ہوں دیئے نہ اس دا مزا ہوں دا بسرہ دا ہی شخص بادشاہ بسرہ دے اندر کھجوراں لئیاں دکاندار تو کھا دیاں ہوں اور اسے بغداد وچو نماز پڑھ دائے ساری ساری رات نماز پڑھ رہے لیکن عبادت وچ مزہ نہیں آ رہے اچانک ایک جماعت 40 بندان دی اتھے آئی 40 بندان دی جماعت آئی اور اس جماعت دے وچو ایک انہ دا پی رہی انہ جماعت آلہ دے نال ایک انہ دا پی رہی اور وہ بندہ جدو وہ مسجد داخل ہوئے نا انہ وچو ایک شخص بولا ساڑھے وچو ایک ایسا بندہ بھی یہ جڑا ساڑھے وچو نہیں یعنی ایسی 40 بندے آئے نا ساڑھے 40 دے بیچی کیسا بندہ ہے وہ ساڑھے بیچو نہیں ہے تو اس نے دسیا اے ابراہیم بن ندم
हजूर क्यों इतने बैठा है? ये भी हम सुन रहे हैं, क्यों बैठा है? रात गए तक इतने इबादत कर लिया है, बैठा है। आपने फरमाया कि इस एक खजूर खा लिए, इसन 40 दिन हो गए, इसन अपनी इबादत में मजा नहीं आ रहा, इस वास्ते गिड़गिड़ा के रो के रब को माफिया मांग रहा है। ये जल्दी ना लुट के ना उन्होंने करीब आए, आ के अर्ज की हजूर दसो केड़ी खजूर? फरमाया बसरा दे बाजार विचो जेड़ी खजूर खजूरा ते खजूर लिया ना ते तल्लो ते खजूर उठा के खा दिया, वो खजूर असल में तेरी नहीं, वो दुकानदार दी है। इस वास्ते तेनु अपनी इबादत में मजा नहीं आ रहा। वो कहन लगा जी फिर मैं क्या करा? कहंदे ने जा उस दुकानदार को पहले माफी मांग ले, माजरत कर, जे वो माफ कर देवे तो ता तेनु इबादत का मजा आएगा। एक लुकमा एक खजूर का दाना उन्हें तल्लो उठा के खादा, तल्लो उठाया और फिर गए जदू दुकानदार को गए ना, वो दुकानदार गैर मुस्लिम से दुकानदार के कोल गए, तो जदू उसने ए आलम वेख्या वो इन्हां दे पैरे पै गया कि इस्लाम इतना आला है, इतना आला इस्लाम कि एक दाना खजूर दा वो भी जमीन तो उठा के खाया और मैं उस वास्ते मेरे को माफी मंगन आ गया, कलमा पढ़ के मुसलमान होया और उसने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह दा वली बना दिया। और एक लुकमा हराम दा खावे बंदा 40 दिन इबादत दा मजा ना आए, दुआ कबूल ना हो पे। और दसो ईमान नाल दसो, अपने दिलों ते हाथ रख के दसो, दिन विच कितना हराम खा लेने, कितना हराम खा लेने? रब फरमांदा इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई तो रोक देंदी है, असी ना रोक दे। इस तो मुराद ये नहीं कि रब का कलाम झूठा है, नाउज बिल्ला, बल्कि तेरा अंदर काला हो चुका है, हराम खा खा के, हराम खा खा के, इतना हराम खा चुका है कि 40 दिन तो कुजा तेरी सारी जिंदगी दुआवां मंगदियां गुजर जाएगी, ये बुराइयां नहीं मंगदियां। हाँ आज हराम तो हाथ छिक ले, तौबा तैफ हो जाओ, आज हाथ छिक लाओ हराम तो तौबा तैफ हो जाओ कि मौला कदी ना खावांगे हराम। फिर नमाज नु खशियो खजू दे नाल पढ़ो, वेखदियां फिर किवें साडे अंदरों बुराइयां जांदियां, ये अल्लाह दा करम हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन दा थम है। केवे उच्ची बोलो, थम है। हुण क्यों ना बोल दे? वजह है कि पढ़ते नहीं नमाज, खुदारा नमाज पढ़ी करो। सिर्फ रमजान अल मुबारक ते नमाज फर्ज नहीं, सिर्फ रमजान अल मुबारक ते तिलावत कलाम पाक फर्ज नहीं, आम दिनों विच भी पढ़नी चाहिए। मेरे आके ने फरमाया सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन दा थम है। ऐ थम में इस तल्लो हटा लो, एक खलो सकते ऐ सतून है ना, नमाज दीन दा सतून है, ए थम तल्लो हटा लो, ए पोर्शन इत्थे खलोसी नहीं खलोंदा ना। रोजे भी रखो, तराबियां ही पढ़ो, जकात भी देवो, हज भी करो, कुरान भी पढ़ो, नफल भी पढ़ो, नमाज न पढ़ो, जदू सतून भी ना होवे तेरी बाकी इबादत के दे दे। जदू सतून भी दीन दा ना होवे तेरे को, फिर बाकी इबादत दा फायदा केड़ा? फिर मेरे आके ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन दी मेराज है, नमाज एक ऐसी रब दी इबादत है कि मोमिन दी मेराज है।
मोमिन मेराज करदा। फिर अगे फरमाया अस्सलातु व कुर्रतु ऐनी फिस सलात, फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी, उच्ची बोलो यार, ठंडक है। रबीउल अव्वल आवे ना, असि आंदे आ गए छा गए, रबीउल अव्वल आवे झंडे ला दियो, नारे लगा दियो, फलां कर देवो, हर बंदा खुशी तो सफाइयां कर रहा है, झंडे लगा रहा है, क्योंकि हजूर दी आमद दा महीना आ गया। रबीउल अव्वल आउण वाला है, 12 रबीउल अव्वल आउण वाला है, खुशी मनाई जा रही है, उदे खुशियां मनाईया जा रही ने। इहदे अल्लाह दा महबूब फरमांदा है कि व कुर्रतु ऐनी फिस सलात, कि मेरी अखां दी ठंडक नमाज है। ठीक है बंदे, फरमाया ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी उम्मते, सुन, मनदा वा मेरी आमद होई तेनू खुशियां होईयां, मेरी आमद होई कुल कायनात खुश होई, तू भी खुश होया है। कदी ए भी सोचिया है कि तेरे नबी दी खुशी किस विच है? कदी ये भी सोचिया है? अगर नबी दी अखां नूं ठंडक ना पहुंचा सके, फिर मिलाद उन नबी मनावण दा क्या फायदा? रबीउल अव्वल दा क्या फायदा? फायदा तां है कि अल्लाह दे महबूब दी अखां नूं भी ठंडा करो, नमाज पढ़ के। अगे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन अलम وعلم وعلم الايمان الصلاه وعلم الايمان الصلاه, फरमाया हर चीज दी एक निशानी होंदी, हर चीज दी एक निशानी होंदी, और ईमान दी निशानी नमाज है। हर चीज दी निशानी, लेकिन ईमान दी निशानी नमाज है। यानी नमाज पढ़दा है तो ईमान वाला है, नहीं पढ़दा तो तेरी ये निशानी है ही कोई। फिर अगे मेरे आका ने फरमाया इन अव्वल मा युहासब बिल अब्द यौम अल कियामत अस्सलात, फरमाया कियामत वाले दिन जब बंदे को रब सवाल करेगा, पहला सवाल यही करेगा कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नमाज के बारे दा पहला सवाल यही होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम ऐनाओ सबा सिनीन, के अपनी औलाद, अपनी औलाद को जदु 7 साल दे हो जावन ना बच्चा, उसनु नमाज दा हुक्म देवो, नमाज पढ़ाओ। और जदु बच्चा 10 साल दा हो जाए तो नमाज ना पढ़े उसनु मारो के नमाज पढ़, उसनु मार के नमाज पढ़ाओ, और उसका बिस्तर भी अलग कर देवो। नमाज के बारे मेरे आका ने कितना फरमान जारी किए, कितनी हदीसा पढ़ चुका मैं हूं तुम्हारे सामने पढ़िया, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर भी नमाज का 700 मरतबा जिक्र फरमाया है, 700 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया। सामीने जीवाकार, जेडी फजर की नमाज अस पढ़ते हैं ना, फजर की नमाज, ये नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे फर्ज है। जेडी जोहर की नमाज पढ़ते हैं, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे फर्ज है। और इसी तरह असर की नमाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और मगरब की नमाज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पे फर्ज है, और इशा की नमाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे फर्ज है, अदा करते सन। ये 5 नमाजा का वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब नू अता किया, कि इन सारी उम्मतों का सवाब अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत नू अता करना चाहता है, कि मेरी महबूब की उम्मत ये नमाजा पढ़ के इन सारी उम्मतों का सवाब हासिल कर रहा है। लेकिन अफसोस है कि आज रमजान, रमजान का चंद नजर आया है कि नहीं आया, मस्जिदां खाली हो चुकी हैं, मस्जिदां खाली हो गई ने। अफसोस है आए मुसलमान तेरे मुसलमान होवन ते,
कैसा तू मुसलमान है कि अल्लाह ताला नु तू कहना मैं दाल ही बदा, तू तो फिर वो मुनाफिक है। वो मुनाफिक जेड़े मदीना मुनवरा दे अंदर मुसलमान को लांदे हन कहंदे हन असीं तुहाडे नाल आ, काफरा कोल जांदे हन कहंदे हन तुहाडे नाल आ, रोजे आंदे हन ते रब दी बारगाह च झुक जांदे और रोजे चले जांदे हन ते फिर रब तो मुंह मोड़ लैंदे। फायदा केड़ा इस रोजे रखण दा? क्या फायदा इना इबादतां दा? क्या फायदा जेड़ा पल भर दे विच मलिया मेट कर देंदे हो, पानी फेर देंदे हो। एदो चन आया, चन नजर आंदा है, उदो डेक वजणे शुरू हो जांदे। चन नजर आंदा है, ढोल वगणे शुरू हो जांदे ने। अल्लाह दे महबूब ने फरमाए खुशियां हैं, ईद अल फितर खुशी है, मनेंदे हैं खुशी है, लेकिन इस खुशी नू नाजायज खुशी ना बनाओ। शरी तौर ते इस नू खुशी मनाओ, खुशियां मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन गलत काम, गलत रस्म और रवाज ना अपनाओ। फिर उस खुशी दे विच आके अल्लाह दी जात नू ना भूल जाओ कि जिसने तुहाडे ते फजल और करम कीता है। नमाज छोड़ दित्ती, रोजे गए, जकात छोड़ दित्ती, नवाफिल छोड़ दित्ते, कुरान पाक छोड़ दित्ता, अलमारी च रख दित्ती, फिर अगले साल रोजा आया, रोजे आए तो कुरान पाक तो मिट्टी छांड लवांगे। ये साडे ईमान है। बैरकैफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जद नमाजी अल्लाह अकबर करके नीयत बदलदा है ना, नमाज की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि नमाजी अल्लाह अकबर कह के नीयत बदलना है ना, तो अल्लाह ताला उस दे सारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर कर दे सारे गुनाह माफ, और जद सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़दा है, सना पढ़दा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनु हज उम्र हज जितना सवाब अता करदा है। और उस तो बाद जद रुकू विच चांदा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़दा है, तो मेरे आका ने फरमाया आसमानी किताबां दी तिलावत करन जितना सवाब रब देंदा। और जद समी अल्लाह लिमन हमीदा कहने ना, अल्लाह ताला उसकी तरफ अपनी रहमत दी नजर नाल वेखदा, बंदे दे जेड़ा नमाज पढ़ रहा होंदा रहमत दी निगाह नाल वेख रहा होंदा। और फिर जदों सजदे च जांदा है तमाम मखलूक दे कुल जहाना दे जिन्नात और इंसाना दी इबादत जितना अल्लाह ताला उसनू सवाब अता कर दे। कितनी शान है नमाज दी। तो फिर फरमाया जदो उस ओ सलाम फेरदा है ना, तो उस वास्ते जन्नत दे आठ दरवाजे रब खुलवा देंदा है। कह मेरे बंदे ते जेड़े दरवाजे तो तेरी मर्जी है तू दाखिल हो जा। असल मकाम भी ओही है, असल जगह भी ओही है जिथे इंसान ने रावना है। ये तो जगह फानी है, मेरे आका ने फरमाया दुनिया फानी है, दुनिया आखरत की खेती है, ये तो फना हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी। आज पता नहीं ऐसी जिंदा हैं, पिछले साल साढ़े नाल कई दोस्त अहबाब जिन्हें ईदा गुजारिया ने, आज कोई नहीं, आज कौन ही जिंदा, चले गए, असं भी चले जावांगे। ये जहान फानी है, असल तो वही है ना मकाम जिसनू बनावना है, सजावना है, और जिस जगह वास्ते इंसान जिथे ज्यादा ठहरना होवे ना उस जगह नू मुजय्यन ज्यादा कीता जांदा है। आप सोच लवो केड़ा मकान है जिस जगह ते असां ज्यादा ठहरना है, क्या इस दुनिया दे अंदर, क्या कबर दे अंदर, कल क्यामत आले दिन जन्नत दे अंदर असां ठहरना। अख्तियार रब ने दिता है इंसान नू, कह बंदे तेरे अख्तियार तेनू दे रहा, रास्ते मैं विखा रहा, जे ए रास्ते चलेगा तो सीधा जन्नत जाएगा, जे इस रास्ते चलेगा तो फिर ए रास्ता तेनू सीधा दोजख वाले जाएगा। रास्ते विखा दिते, अख्तियार इंसान नू दिता, हुण इंसान तेरी मर्जी, दिल भी दे दिता मी, ज़हन भी दे दिता मी, सोच भी लै ते दिल नाल गल भी कर लै, लेकिन असीं उस अख्तियार नाल गलत इस्तेमाल कर दे। मस्जिद वाल जावन दे बजाय असां गलत पासे चले जाने,
नमाज दिया बड़िया बरकत ने। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अनुवाद करते ने कि मेरे आका अलैहि सलातो सलाम एक दफा खजां के मौसम बैर जंगल तशरीफ ले गए और खजां की वजह तो ना पत्ते खुद ब खुद दरख्तों तो गिर रहे थे। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम एक दरख्त की शाख नू दो शाखा नू अपने मुकद्दस हथां दे नाल पकड़ के फरमाया ऐ अबू जर गफारी अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लम। आपने फरमाया कि बंदा जदा जदों अल्लाह ताला दी खुशनूदी वास्ते अल्लाह ताला दी रजा दी खातिर नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म विच गुनाह इन जड़दे ने कमा तहानत हाजल वर्को अन हाज हिशाजरते कि जिस तरह इस दरख्त दे पत्ते गिर रहे ने गुनाह इस तरह जड़दे ने जिवें एक पत्ते जड़ रहे ने। तो सामने जीवाकार नमाज अगर खुशूओ खजू दे नाल पढ़ी जाए तो फिर वो बेहयाई तो भी रुक जाती है और वही नमाज इंसान नु अल्लाह दा खास बंदा बना दे दे अल्लाह दा मुकर्रब बना दे दे। हजरत ईसा अलैहि सलाम दे जमाने विच एक औरत बा नमाजी बड़ी नमाजी परहेजगार नमाज पढ़ती है। एक दफा नमाज पढ़ रही थी शैतान लाइन ना खूबसूरत औरत की शक्ल उसके सामने आया उसनु बहकावन वास्ते ना सामने आया उन तंदूर पाल के ना नमाज पढ़न लग गए। शैतान आया उसने कहा तू नमाज पढ़ रही है और तेरिया रोटियां जल रही हैं। वो कहने लगी खैर है पहले अल्लाह का फर्ज अदा हो जा। शैतान जब फेल होया ना उस आखे भाई हुण के करा। उस औरत का उस माई का एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा अजे दुध पींदा है उस दे नाल सेट ते खेल रहा सी। उस शैतान लाई ने उस बच्चे ने उठा के तंदूर ही छड़ दिता गरम तंदूर दे अंदर कोले दहक रहे ने दूध पींदा बच्चा है तंदूर दे अंदर उस छड़ दिता। फिर दौड़ते हुए आया कि तू नमाज पढ़ रही है तेरा बच्चा तंदूर अंदर है। वो कहंदी नहीं अगर तंदूर विच बच्चा जलदा है जल जाए मैं रब दी नमाज नहीं छोड़ांगी। बच्चा जल जाए मैं उस रब दी नमाज नहीं छोड़ांगी। इसी दौरान उस दा खामंद घर अंदर आया दाखिल होया क्या वेखदा है कि मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है और बच्चा तंदूर दे अंदर कोलियां दे नाल खेल रहा है। बीवी नमाज पढ़ रही है बच्चा कोलियां दे नाल खेल रहा है। और इस वाकिए दा पता जदों हजरत ईसा अलैहि सलाम नूं चला तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने औरत नूं बुलाया तेरा अमल क्या है तू के अमल कर दिए। अर्ज कर दिए सोनिया हर वक्त बावजू रहनी आ जदों बेवजू हो जावा वजू कर लेनी आ और जदों नमाज दा वक्त होवे नमाज अदा कर लेनी। यानी इंसान खुशूओ खजू दे नाल नमाज अदा करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसके माल की हिफाजत खुद कर लैंदा है। शैतान वरगलांदा रहा है वसवसे देंदा रहा बच्चे नूं भी सड़ दिता लेकिन अल्लाह ताला दा करम वेखो उस बंदी ने नमाज नहीं छोड़ी तो रब ने फरमाया मेरा वजदान कहता है रब ने फरमाया कि ऐ मेरी बंदी तैं मैनू नहीं छोड़िया मैं तेनू नहीं छोड़ा मैं तेरा नुकसान नहीं होण देवांगा। लेकिन इंसान ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर दी औरत और ईसा अलैहिस्सलाम
40 साल हकूमत करन वास्ते फिर दुनिया ते तशरीफ ले आवनगे, फिर दुनिया ते गल गौर दे नाल मैं पॉइंट दसना चाहना। 40 साल दुनिया ते हकूमत करन वास्ते आवनगे और रब ने फरमाया कि मेरा महबूब तेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, तेरे तो बाद कोई नबी, उच्ची बोलो यार, तेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, बस आखिरी तू ही है। और ईसा अलैहि सलाम 40 साल जड़ी हकूमत करन आवनगे ना, ओ नबी बन के नहीं आवनगे बल्कि तेरे नबी दा उम्मती बन के आएगा, तेरे नबी दा उम्मती बन के आएगा। और फिर ईसा अलैहि सलाम उस दे उम्मती दा आलम है कि नमाज खशूओ खजू दे नाल पढ़ रहा है, बच्चा तंदूर अंदर है, बच्चा कोलिया नाल खेल रहा है, ये उस उम्मती दी नमाज दा आलम है। अगर नबी आखिर जमान दे उम्मती नमाज पढ़न खशूओ खजू दे नाल, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों ना करम वाला करम कर दे। खशूओ खजू दे नाल नमाज पढ़ना, हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला, आप जंग लड़दे हैं ना, आप नूं बाला लगा ना एक पांव ते तकलीफ देंदा ही निकाल ना सकदे, किसे आख्या भई इंज नहीं निकलना, जदों अली नमाज पढ़े ना, अली नमाज पढ़े ते तुसा इंज करिया ए बाला छिक लवेया। हुण हजरत अली रजी अल्लाह तआला नूं नमाज च मशगूल होए ना, पिछो किसे ने बाला छिक लिया, ओ नमाज च मशगूल ने खून निकल रहा है, और जदू सलाम फेरिया अपने आस पास खून वेख्या, फरमाया ए खून किदू आया है, कोई पता नहीं, तकलीफ भी नहीं हुई, फरमाया खून किदू आया है, दस्या जी ए जेड़ा बाला लगे होया सी ए असी छिकिया है और इस वास्ते खून निकला है। आपने फरमाया मैंने तो कोई पता ही नहीं, मैं तो रब दी मुलाकात विच खड़ा सी, मैंने तो कोई पता ही नहीं लगा। यानी खशूओ खजू ऐसी चीज है नमाज के अंदर, नमाज इस तरह अदा करे बंदा कि इंसान खलोता नमाज विच होवे ना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने कि बंदे दा ख्याल ए होवे कि रब मैनू वेख रहा है ते मैं रब नू वेख रहा हूं, जे अगर ए भी नहीं कर सकदा ना, इतना कर सके कि रब मैनू वेख रहा है, रब वेख रहा है। तो सामीन जी वकार नमाज के अंदर सुस्तियां भी करदे हैं और जितना हो सके असी नमाज को छोड़न वास्ते हीले बहाने बड़े मारते हैं, लेकिन अल्लाह ताला दी बारगाह कल क्यामत वाले दिन कोई उजर कबूल नहीं होवेगा, कोई उजर कबूल नहीं होवेगा। एक जालिम बादशाह आएगा, बादशाह जिसने अल्लाह ताला ने दुनिया च बड़ी सल्तनत दित्ती हो सी, क्यामत दा दिन हो सी, अर्ज करे सी या अल्लाह तैं मेरे को इतनी सल्तनत दित्ती है, इतनी हुकूमत दित्ती है, काम इतने हैं कि मैनू सिर खनन वास्ते टाइम नहीं लगता, तो मैं नमाज किवें अदा करा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा क्यामत वाले दिन हजरत दाऊद अलैहि सलाम और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नु ले आओ, हजरत दाऊद अलैहि सलाम और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम आवनगे, रब फरमाएगा दसो जी तुहाडे काम ज्यादा हन, तुहाडी सल्तनत वसी है या इसनी सल्तनत वसी है। ओ बंदा शर्म तो सर झुका लवेगा, रब फरमाएगा ए मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, फरिश्ता ने फरमाएगा मेरे इस बंदे नु जहन्नम च ले जाओ, ये झूठ बोल रहा है। इत्थे साडियां अदालतां ता हैं ना, सिर्फ कैद आजम दी टोपी भी खा दे वो नोट दे उत्ते जेड़ी टोपी आउंदी, आम टोपी ने तस्वीर वाली नहीं, नोट वाली टोपी भी खा दे वो जज, तो जज वजीर आजम भी खरीद लवो, ये तो ऐ इंसाफ है ना। उत्ते कोई दलील, कोई हुज्जत, कोई बहाना, कोई हीला नहीं चलेगा। हुण एक बंदा आएगा अरज करेगा फयकूल अल मरीज या रब अल मर्ज मुनियानी अन इबादती का, या अल्लाह मैं बीमार हूं, मेरा जेड़ा मर्ज है ने तेरी इबादत तो मैनू रोकदा,
मेरा मर्ज तेरी इबादत तो मैं रोकता है, ये हुण कयामत वाले दिन वो दस रहा है। और अल्लाह ताला फरमाएगा कि हजरत अय्यूब अलैहि सलाम नु बुला लिया। हजरत अय्यूब अलैहि सलाम अल्लाह दे ओ पैगंबर ने कि सारे जिस्म ते कीड़े लग गए सन, दिल तक पूरा जिस्म कीड़ा नाल भरा गया। जेड़ा गिर जांदा है ना उसनु चुक के वत ते रख देंदे आ कि ऐ तेरी खुराक है खा। सारा जिस्म कीड़ियां दे नाल भरिया गया, फिर भी जबान विचों अल्लाह दा जिक्र नहीं खत्म होया, अल्लाह दी इबादत नहीं छोड़ी। फरमाया तेरा मर्ज ज्यादा आई या इन्हां दा ज्यादा आई, दस मैनू कि दिल भी कीड़ियां दे नाल भरिया गया फिर भी मेरा जिक्र करदा रहा, जबान नाल करदा रहा, पूरा जिस्म कीड़ियां दे नाल भरे होया। तू दस कि तेरी बीमारी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है। वो बंदा खामोश हो जाएगा। रब फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, आए मेरे फरिश्ते इसको जहन्नम में ले जाओ। कोई हीला कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर एक बेनमाजी हाजिर हो सी क्यामत वाले दिन, अक्सर या अल्लाह मेरे बाल बच्चे बहुत ज्यादा, मैं जोर रोजी कमाना मैं टाइम नहीं लगता कि मैं तेरी बारगाह च आके नमाज पढ़ लवा। हाँ तो रब हजरत याकूब अलैहि सलाम नु बुलावन, हजरत याकूब अलैहि सलाम नु बुला के फरमावनगे तुम्हारी औलाद ज्यादा या इन्हां दी ज्यादा है। तुसी अपने बेटे दी जुदाई भी ज्यादा रोए हो या ये ज्यादा रोए है। यूसुफ अलैहि सलाम दा कई साल इतनी जुदाई हुई कि इतने सालों तो बाद आप इतने रोए आप दी अखां दी बीनाई खत्म हो गई, आप दी कमर झुक गई। यूसुफ अलैहि सलाम दे फिराक इतने रोए और रब फरमाएगा दस कि इन्हां दे बेटे ज्यादा सन, इन्हां नूं फिराक ज्यादा है या तेनू ज्यादा है। फरमाएगा बंदे तू झूठ बोल रहा है, आए मेरे फरिश्तो इसको जहन्नम में ले जाओ। और एक बेनमाज औरत बेनमाजी औरत बारगाहे इलाही चाहेगी, अर्ज करे कि या अल्लाह मेरा खावंद बड़ा जालिम है, मेरा खावंद बड़ा जालिम है, मैं जिस भी वजह तो तेरी बारगाह च सजदा नाम कर सकती। रब फरमाएगा हजरत आसिया अलैहि सलाम नु बुलाओ। हजरत आसिया कौन ने? फिरौन, फिरौन दी बीवी, फिरौन दे घर हजरत आसिया फिरौन दी बेटी नु कंगी कर रही ने ना, ते कंगी गिरी पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंगी उठावन वास्ते, पता ही उसके आख्या कहंदा ना ले। फिरौन दी बेटी ने आख्या कहंदा ना ले, दसिया उसका ना ले जेड़ा तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है, मेरा भी रब है, मेरा भी रब है। उस आख्या मेरा रब तो मेरा बाले दे, नाउज़ बिल्ला तू कि नहीं आती है, नहीं तेरा रब भी होवे तेरे वालिद का भी होवे मेरा भी ओही रब। और उस बीवी नु इतना जुल्म दे नाल इतनियां सजावां दित्तियां गईयां, तशद्दुद कीता गया उस दे नाल, लेकिन फिर भी अल्लाह दी इबादत तो नहीं हटी। तो रब फरमाएगा दस इसका ज्यादा जालिम है या तेरा शौहर ज्यादा जालिम। रब फरमाएगा तू झूठ बोल रही है, फरमाएगा इसनु ले जाओ जहन्नम में। लोगों नमाज किसे सूरत विच भी अल्लाह ताला नहीं छोड़वांदा। बीमार हो गए उठ नहीं सकदा, मेरे आका ने फरमाया इशारे दे नाल पढ़ो, अखियां दे इशारे नाल पढ़ो, सिर दे इशारे नाल पढ़ो, नमाज छोड़नी नहीं पढ़नी है। कल पहला सवाल भी नमाज दा होवेगा। देखो ना ये नौजवान बैठे ने, कई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह आज कल तो मिडल मैट्रिक आम नौजवान कर लेंदा है, तालीम याफ्ता ने,
इन्हां नौजवानों को पूछो ना क्वेश्चन पेपर आंदा है सवालों का पेपर आंदा है ना पर्चा उस ते लिखे होंदा है बाज दफा कि ये पहला सवाल लाजमी है ते बाकी या चार है तीन कर लो पहला लाजमी इन सवाल आंदा है ना पहला लाजमी और पहले सवाल दे नंबर भी ज्यादा होंदे ने जेड़ा लाजमी होंदा है वो लाजमी जेड़ा है ना उसके नंबर ज्यादा होंदे ने जे अगर वो लाजमी सवाल भी बंदा ना कर सके पिछले सवालों का क्या फायदा लाजमी सवाल तो बंदा फस बने पिछला का क्या फायदा ये जेड़ा पहला सवाल है ना ये लाजमी है फर्ज है रब फरमाएगा ना क़यामत वाले दिन हाँ मेरे बंदे नमाज बारे दस कितनी पढ़िया नहीं थे कितनी छोड़िया नहीं जे बंदा नमाज दे नेड़े ही ना गया होवे तो फिर सर झुका के सीधा अगले बने खुदारा बाकी मुहब्बतां बाकी सब कुछ अपनी जगह पे हकुकुल्लाह दे विच नमाज दा जेड़ा हक है ना वो अपनी जगह नमाज दा जेड़ा हक है वो अपनी जगह है नमाज अदा करो पढ़ो वैसे तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हक पढ़ना है नमाज पढ़नी चाहिए ना पढ़ दे ना दे मुसलमान उतो ला इला विच होर बला ना दे मुसलमान नमाजा कोई नहीं इन्ह रोजिया दे अंदर कई ऐसे नौजवाना खोजे कीते होने ने रोजे नहीं रखे होने के जिन्हां नूं अपनी जवानी ते माण आई रब दे रमजान ते माण हाई भी कौन एक चीज मेरी भी सुन लव्या ये नमाज पढ़नी तुसी अपने फायदे वास्ते ना के रब दा फायदा होना ये तुहाडा फायदा है अल्लाह ताला दे इस कोई फायदा कोई नहीं नुकसान कोई नहीं ना ही मेरा फायदा नुकसान है नमाज अपने वास्ते पढ़नी ते हुण अगली गल मेरी गौर नाल सुन आए गौर दे नाल सुन आए जिस नाल रब नू प्यार हो जाए ना जिस नाल रब नू प्यार उची बोलो हो जाए उस नू रब अपने घर नमाज पढ़न दी तौफीक दे देंदा है अपने घर नमाज पढ़न दी तौफीक दे देंदा है जी जिस नाल प्यार ना होवे ना ते ओ सौ हीले पे मारे उस नू अपने घर नहीं बुलांदा उस नू अपने घर ओ बुलांदा ही नहीं खुदारा ऐसी सूरत और सीरत पैदा करो कि अल्लाह ताला तुहानू अपने घर बुला लवे अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है कि मौला कायनात सानू सारियां नू बाजमात नमाज़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैया इल्लल बला।